डिजिटलाइजेशन के इस दौर में जब एक क्लिक पर इंसान दुनिया के किसी भी कोने की छोटी से छोटी जानकारी ले सकता है, वहीं कुछ बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है। डिजिटलाइजेशन का एक अहम हिस्सा सोशल मीडिया भी है, जो हमें एक दूसरे के करीब रखता है, मगर इसके जरिए कई बार अनजान लोगों के साथ संबंध बनाना खतरनाक भी हो जाता है। इसका सबसे भयानक उदाहरण है ये घटना, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये कहानी एक महिला की है, जिस पर सोशल मीडिया के जरिए मिले एक शख्स ने उस पर जानलेवा हमला किया था। हमला भी कुछ ऐसा जिसे सुनकर इंसान के रूह कांप उठे। ये कहानी है 41 साल की एक नर्स की, जिसे ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग के जरिए 45 साल के एक शख्स से मुलाकात होती है। वक्त के साथ दोनों के बीच गहरी दोस्ती होती है और बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ता है। ये खौफ की कहानी है 41 साल की तमारा की और 45 साल के अनातोली येजुकोव की। दरअसल सोशल मीडिया पर लगातार बात होने के बाद एक दिन अनातोली ने तमारा को रात के खाने पर अपने हॉस्टल रूम मिलने के लिए बुलाया। तमारा भी अपने नए दोस्त से मिलने और एक अच्छा वक्त बिताने चली गई, मगर इस हैवान के दिमाग में कुछ और ही था। दरअसल रात के खाने के बाद अनातोली ने अचानक तमारा को पिटना शुरू कर दिया। तमारा के समझ कुछ नहीं आया, वो चिल्ला रही थी, लेकिन ये हैवान नहीं रुका। पुलिस के मुताबिक अनातोली की हैवानियत की हद यही नहीं रुकी, उसने महिला को दांतों से काटने के साथ ही उसकी आंख, कान और होंठों पर दांत से काटकर खाना शुरू कर दिया। शरीर के लगभग सभी नाजुक हिस्सों पर काटने के साथ ही उसने पीड़िता को जान से मारने की कोशिश की। उसने महिला के पीठ की हड्डी पर दांत से काट लिया। इस हैवानियत के दौरान तमारा ने बचने की भरपूर कोशिश की, मगर अनातोली के सिर पर हैवान ने पूरी तरह कब्जा कर लिया था। इन सब के बीच तमारा के चिल्लाने की आवाज को सुनकर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचित किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने तमारा को उस हैवान के कब्जे से बचाकर पूरी तरह घायल तमारा को पुलिस ने हॉस्पिटल पहुंचाया। पुलिस के मुताबिक अनातोली दिमागी रूप से बीमार था, अगर कुछ पल की और देर होती तो शायद इंसानी शक्ल में छुपे इस हैवान ने तमारा को नोच नोच कर खा गया होता। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम टाइम।